मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं भाई? तो आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आपके घर में सब कुछ अच्छा जा रहा होगा और आपका हेल्थ अच्छा होगा। आपके घर में जितने लोग हैं सबका हेल्थ बहुत बढ़िया होगा। मैं यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर में जो डिस्कस कर रहा हूँ वो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का सेकेंड लेक्चर है। ध्यान सुनिएगा, सेकेंड लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर जो है वो आपको कैसे मिलेगा, अब आप ये सोच रहे होंगे। यदि आपने नहीं देखा है तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब ये कहेंगे कहाँ पे भाई, तो जहाँ पे ये यूट्यूब के जिस पेज पे जहाँ पे आपका ये वीडियो रन हो रहा होगा तो वहीं पे नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स जस्ट उसके नीचे होता है तो वो आप देख सकते हैं। तो उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट लेक्चर का लिंक प्रोवाइडेड है। उस लिंक को जैसे ही क्लिक करेंगे आप einsteinclasses.com पे जाएंगे। einsteinclasses.com पे जाएंगे, वहाँ पे साइन अप कीजिए और साइन अप करके फिर आपका अपना डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और वहाँ पे आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। अब पॉइंट आता है कि इस भाई ये सेकंड वीडियो लेक्चर उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं आखिर। तो एक तो देखो कि आपकी फर्स्ट लेक्चर में कूलम्ब लॉ के ऊपर डिस्कशन हुआ था। साथ में इसमें और भी कई बातें डिस्कस हुई थी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज वगैरह के ऊपर, बट लास्ट में कूलम्ब लॉ के ऊपर डिस्कशन हुआ था। तो इसके हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज के काफ़ी अच्छे सब प्रॉब्लम्स को मैं लेकर के डिस्कस किया हूँ। ध्यान सुनिएगा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के काफ़ी अच्छे सब प्रॉब्लम्स को मैं डिस्कस किया हूँ। अब कहेंगे भाई कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज के कौन कौन से प्रॉब्लम्स सर ने डिस्कस किए हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं निकाला हूँ एनसीईआरटी एक्सरसाइज। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज में सबसे पहले मैंने जो डिस्कस किया जिस प्रॉब्लम को, वो आपका प्रॉब्लम नंबर बेसिकली यहाँ पे सिक्स्थ। तो एक तो सिक्स्थ प्रॉब्लम को डिस्कस किया मैंने, सिक्स्थ के बाद फिर मैंने डिस्कस किया है 12 एंड 13। 12 एंड 13 अच्छा प्रॉब्लम है, खासकर 13 वाला बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रॉब्लम तभी समझ में आएगा जब आप 12 प्रॉब्लम कर लेंगे। एंड देन इसके बाद जो मैंने डिस्कस किया है ये आपका प्रॉब्लम नंबर 3 को डिस्कस किया है, राइट। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपके डिस्कशन हुए हैं फर्स्ट 21 मिनट में। इसके बाद मैंने जो डिस्कस किया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिस्कस किया है। ध्यान सुनिएगा बात को, चूंकि कूलम्ब्स लॉ हो ही गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिस्कशन हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान से सुनिएगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक तो ये डिस्कशन हुआ है। फिर सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का यूज करके कैसे डायपोल की वजह से फील्ड निकालेंगे उसके ऊपर डिस्कशन किया है। जब ये हो गया है तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ये भी डिस्कस किया है कि यदि एक पॉइंट चार्ज को एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाए तो कैसे उसका मोशन होगा, कैसे वो बिहेव करेगा, राइट, क्या फोर्सेस उसके ऊपर लगेंगे, तो वो मैंने डिस्कस किया है, राइट। अब फिर लास्ट में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज के काफ़ी क्वेश्चंस को एक ऐसे सीक्वेंस में डिस्कस किया गया है जिससे कि आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये नहीं है कह रहा है मैंने कि भाई कि जैसे 1 2 3 4 वैसे मैंने डिस्कस नहीं किया एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। मैं आपको बता देता हूँ एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया है, बट डिस्कशन करने का तरीका जो मैंने लिया है वो ध्यान से सुनिएगा बात को। तो उसमें मैंने सबसे पहले क्या किया भाई कि उसमें सबसे पहले मैंने प्रॉब्लम नंबर 8 को डिस्कस किया है, फिर 9th को मैंने डिस्कस किया है। 8 और 9th के डिस्कशन के बाद फिर एडिशनल एक्सरसाइज, ध्यान सुनिएगा, जो बहुत डिफिकल्ट होता है जनरली, एडिशनल एक्सरसाइज के प्रॉब्लम नंबर 25 को डिस्कस किया है। फिर 33 एंड 34 एडिशनल एक्सरसाइज को डिस्कस किया है और ये करने के बाद फिर मैंने 14 प्रॉब्लम को भी डिस्कस किया है, राइट। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में पूरी डिस्कशन करी गई है और ये वीडियो लेक्चर कम्प्लीटली यदि आप अच्छे से देखते हैं, पहले लेक्चर को भी देखिए, तो आप पक्की बात है कि फिजिक्स में बहुत स्ट्रांग कॉन्सेप्ट डेवलप होगा और साथ में आप किसी बोर्ड से हैं, किसी बोर्ड से पक्की बात है कि काफ़ी अच्छा स्कोर आप हर जगह पर कर पाएंगे। बोर्ड एग्जाम से बड़े आराम से कहीं 95% से कम नहीं आना चाहिए, वो चीज़ रहेगी। और ऐसे ही आगे मैं बेसिकली आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे लेक्चर्स को लेके आता रहूँगा, राइट। तो बढ़ते हैं आगे, फटाफट अब आगे की प्रॉब्लम को डिस्कशन करना शुरू करते हैं, राइट। सिक्स्थ प्रॉब्लम है ये आपका, सिक्स्थ प्रॉब्लम है 1.6 से ये। अब ये प्रॉब्लम क्या कर रहा है, बहुत ही ये भी सिंपल प्रॉब्लम है लेकिन कई लोग इसको काफ़ी लंबे तरीके से करेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि काफ़ी जल्दी से करने का तरीका भी, साथ में कैलकुलेशन कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है। आप यदि चाहें तो ये प्रॉब्लम बहुत ही मेंटल कैलकुलेशन से आराम से कर सकते हैं। देखिए क्या है, 4 पॉइंट चार्ज है, वैल्यू दे रखी है 2 माइक्रोकूलम की QA, -5 माइक्रोकूलम QB, 2 माइक्रोकूलम QC,
-5 माइक्रोग्राम क्यूडी और ये लोकेटेड है एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर एबीसीडी, राइट। उसकी साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर दे रखी है। अब कहा गया कि एक 1 माइक्रोग्राम का चार्ज है जो सेंटर ऑफ द स्क्वायर पे प्लेस्ड है, उसके ऊपर मुझे फोर्स निकालना है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बना लीजिए। ये डायग्राम है ए बी सी डी, ये हो गया एक स्क्वायर। ए पे कॉर्नर ए पे 2 माइक्रोकुलम है, कॉर्नर बी पे -5 माइक्रोकुलम है, कॉर्नर सी पे 2 माइक्रोकुलम है, कॉर्नर डी पे -5 माइक्रोकुलम है। पॉइंट चार्ज क्यू, कैपिटल क्यू मैंने ले रखा है 1 माइक्रोकुलम का, जो कि सेंटर ऑफ द स्क्वायर पे है। अब हमारे को यहाँ पे इसके ऊपर नेट फोर्स निकालना है। तो नेट फोर्स निकालने का तरीका क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करेंगे। पहले हम लोग इंडिविजुअल पॉइंट चार्ज की वजह से, मतलब ए की वजह से, फिर बी की वजह से, फिर सी की वजह से, फिर डी की वजह से फोर्स की वैल्यू निकाल लेंगे विथ डायरेक्शन, राइट। डायरेक्शन दिखाना, अभी लिखना नहीं है, मैग्नीट्यूड लिखने की जरूरत नहीं, अलग अलग कैलकुलेट करने की, बस आप फोर्स का डायरेक्शन दिखा लीजिए। तो देखिए यहां पे सबसे पहले ए की बात करें, ए +2 माइक्रोकुलम है और ये भी +1 माइक्रोकुलम है, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा ए और इस पॉइंट चार्ज के बीच में। इसका मतलब ए वाला इस चार्ज को इधर को ढकेलेगा, देखिए यहां पे इस डायरेक्शन में ढकेलेगा, राइट। ए जो है इसके ऊपर, ए इसको इधर को ढकेलेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन का मतलब तो यही हो गया ना। तो इसका मतलब ए क्यूब के ऊपर फोर्स एफ ए लगा रहा है और वो इस डायरेक्शन में लगा रहा है। तो हमने ये डायरेक्शन दिखा दिया एफ ए का, ये डायरेक्शन, राइट। अब बी की बात करते हैं, तो बी -5 माइक्रोकुलम है और ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑब्वियस बात है बी क्यू को अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट करेगा तो ऐसे अट्रैक्ट करेगा, समझे बात को, इस डायरेक्शन अट्रैक्ट करेगा, तो इस डायरेक्शन अट्रैक्ट करेगा विद द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ बी, राइट। अब सी की बात करते हैं, तो सी 2 माइक्रोकुलम का चार्ज है और ये भी आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के पीछे फोर्स और रिपल्सन होगा, तो सी इसके ऊपर इधर को फोर्स लगाएगा, तो ये लग गया इस डायरेक्शन में फोर्स एफ सी। अब डी की बात करते हैं, तो डी नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो डी ऑब्वियस बात है इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, तो अट्रैक्टिव फोर्स इसी डायरेक्शन लगेगा इस पॉइंट चार्ज पे क्यू पे विद द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज एफ टी, राइट। तो इस तरीके से यहां पे इस पॉइंट चार्ज 1 माइक्रोकुलम के ऊपर फोर्सेस लगेंगे। ये ध्यान दीजिए कि ये दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, एंड ये सारे फोर्सेस ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री पे, क्योंकि स्क्वायर है, राइट, और सेंटर पे प्लेस्ड है ये पॉइंट चार्ज 1 माइक्रोकुलम। अब ध्यान दीजिए यहां पे कि फोर्स की मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकलेगा के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यहां पे के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। अब देखिए यहां पे पहले मैं बात करता हूं एफ सी और एफ ए के लिए। देखिए ये दोनों फोर्स अपोजिट है और मैग्नीट्यूड भी इनकी इक्वल आएगी। क्यों ऐसा होगा, बिकॉज ये 2 माइक्रोकुलम्ब है, ये 1 माइक्रोकुलम्ब है, राइट, और इनके बीच का सेपरेशन और ये वाला सेपरेशन सेम है, 1 माइक्रोकुलम्ब है, ये 2 माइक्रोकुलम्ब है, तो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, यहां पे प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, वो तो सेम ही है ना। इसका मतलब कहेंगे कि FC और FA का मैग्नीट्यूड इक्वल है बिल्कुल। तो यदि मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, निकालने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं जरूरत ही नहीं है। आप सीधे बोलिए कि चूंकि प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस सेम है, डिस्टेंस बिटवीन देम सेम है, तो इसका मतलब जितना फोर्स का मैग्नीट्यूड इसके ऊपर ये लगाएगा, जितना चार्ज जो है QC इसके ऊपर लगाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, उतना ही चार्ज A इसके ऊपर लगाएगा, बट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, हेंस दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। इन द सिमिलर वे D जितना इसको अट्रैक्ट करेगा जितने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से, उतने ही मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से B भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब FD और FB भी मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होगा, बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो FD और FB भी एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर लेंगे। तो ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, इन दोनों ने भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, FD और FB भी कैंसिल आउट कर रहा है, FC और FA भी कैंसिल आउट कर रहा है, तो इसका अंदर नेट फोर्स कितना रह गया, सिंपल सी बात है जीरो रह गई। तो हम लोग कहेंगे नेट फोर्स ऑन दिस पॉइंट चार्ज विल बी सिंपली जीरो। कैलकुलेट तो करना नहीं है यहां पे, बता रहा हूं मैं आपको, यदि कैलकुलेट करना चाहे वो आपकी मर्जी है, लेकिन कंसेप्चुअली आप लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज भी सेम है भाई, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड एफ डी का होगा वही एफ बी का होगा। इसकी वजह क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज भी डी और 1 माइक्रोकुलम का सेम है, डिस्टेंस भी ये सेम है, ये जितना है उतना ये है, क्योंकि ए बाय रूट टू डिस्टेंस होती है सेंटर से कॉर्नर की स्क्वायर के केस में, यहाँ पे ए होता है साइड लेंथ। तो दैट वे ऑन दिस बेसिस वी कैन से दैट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकुलम इज सिंपली जीरो। ये बिल्कुल 30 सेकंड का प्रॉब्लम है, आपको बता दो,
ज्यादा देर लगना नहीं है इसमें, लेकिन इसको आप लंबे कैलकुलेशन से करना चाहेंगे तो ऑब्वियस बात है काफी देर लगेगा फिर। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर बात करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो आपका चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो है प्रॉब्लम नंबर 1.12 करने जा रहे हैं, ए पार्ट एंड बी पार्ट। और पार्ट ए देखते हैं क्या है। पार्ट ए में कहा गया कि दो इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर्स हैं, मेटालिक स्फीयर्स हैं, और इंसुलेटेड होने की वजह से उनका चार्ज जो है कहीं और नहीं जा पा रहा है, उन्हीं के पास है। और ए और बी नाम दिया गया है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, मतलब 0.5 मीटर, राइट। व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इफ द चार्ज ऑन ईच वन इज 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम, ये दे रखा है प्रॉब्लम में। साथ में प्रॉब्लम में और भी आगे दे रखा था जो कि मैं लिखा नहीं हूं कि भाई कि इनकी जो कॉपर स्फीयर की जो रेडियस है वो बहुत ही कम है एज कंपेयर टू सेपरेशन। तो जब ऐसा होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि चार्ज स्फीयर्स को पॉइंट चार्ज मान लेते हैं। जब भी यहाँ पे स्फीयर्स की जो रेडियाई है वो काफी काफी कम हो डिस्टेंस बिटवीन देम, तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि वो पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करा जाता है। जैसे मान लीजिए कि दो स्फीयर्स हैं, उनके बीच का डिस्टेंस 10 मीटर है, 10 मीटर है, बट उनकी रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि 10 सेंटीमीटर की जो वैल्यू है 10 मीटर के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम है, इसलिए हम लोग यहां पे उन स्फीयर्स को पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। यदि पॉइंट चार्ज लेंगे तभी जाकर के हम लोग कूलम्स लॉ अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि कूलम्स लॉ एक्चुअली पॉइंट चार्ज के लिए अप्लीकेबल है। अब कहा जाता है कूलम्स लॉ की भाई दो पॉइंट चार्ज जो Q1 एंड Q2 दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, तो फोर्स बिटवीन देम विल बी 1/4πε₀ Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत की बात है नहीं, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है आपको और उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से प्रोसीड करते हैं। ऑब्वियस सी बात है दोनों चार्ज स्फीयर आइडेंटिकली चार्ज्ड हैं तो दोनों पे चार्ज इक्वल होगा और दोनों के ऊपर नेचर ऑफ द चार्ज भी सेम है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। तो दिस वन इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन जो दिखाई गई है एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज गिवन बाय 1/4πε₀ क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। क्यू की वैल्यू प्रॉब्लम में 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम है, वो प्लेस कीजिएगा। 1/4πε₀ की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ प्लेस कीजिए एसआई यूनिट में। डिस्टेंस बिटवीन देम 0.5 मीटर, वो प्लेस कीजिए। कैलकुलेट कीजिए, यू विल गेट 1.5 इंटू 10⁻²  न्यूटन। दिस इज द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्ज स्फीयर्स, राइट। अब अगला पार्ट इसका देखते हैं, बी पार्ट। बी पार्ट कहा जा रहा है कि क्या फोर्स और रिपल्सन होगा यदि दोनों स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है वो हमने डबल कर दिया, मतलब जो पहले चार्ज था उसको ट्वाइस हो गया एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाल्ट, आधी हो गई है। डिस्टेंस पहले 0.5 मीटर थी, अब 0.5/2 मीटर हो गई है। तो देखिए 0.25 मीटर मैं लिख रखा हूं, वैसे 0.5/2 ले लेते हैं हम लोग। अब फोर्स एफ ले रखा है हमने, ये ना समझना कि ये फोर्स सेम है, जस्ट मैं लिखा हूं यहाँ पे। फोर्स की मैग्नीट्यूड तो डिफरेंटली इस फोर्स से डिफरेंट होनी चाहिए और होगी। अब यहाँ पे फोर्स की वैल्यू लिखते हैं, तो देखिए 1/4πε₀ 9 इंटू 10⁻⁹, चार्ज ट्वाइस 2 इंटू 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम हो गया। और डिस्टेंस को लिखेगा 0.5/2, राइट, और 0.5/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर की जगह पे। अब देखिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अब देखिए यहां पे 2 का स्क्वायर इट विल गिव 4 और नीचे आपका 1/2 का स्क्वायर है तो ऊपर जाके 4 × 4 हो जाएगा, डेट मीन 16 हो गया। यही तो हुआ यहां पे, बाकी वही रहेगा जो पहले था, क्योंकि 2 के स्क्वायर को जब बाहर करेंगे तो 4 आ गया। ये वाला 1/2 का होल स्क्वायर जो नीचे है उसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो 16, तो ये फोर्स जो होगी इस फोर्स का 16 टाइम्स हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा, आपको कैलकुलेट करने की फर्दर जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये पूरी वैल्यू आपने निकाल रखी 1.5 इंटू 10⁻²  न्यूटन है। तो हम लोग कहेंगे कि जो नया फोर्स हो जाएगा वो 16 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस फोर्स हो जाएगा। तो 16 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू, दैट मींस 16 टाइम्स ऑफ दिस वन, और 16 इंटू 1.5 पता ही कि 24 होता है, बहुत आसान है, 16 इंटू 3/2 से, तो हमारे पास 24 इंटू 10⁻²  न्यूटन आ जाएगा नया वाला फोर्स। ऐसे करने से क्या होगा, कैलकुलेशन दोबारा ज्यादा नहीं करेंगे आप, यहां पे तो आपने कैलकुलेट कर ही लिया है। यहां पे बस आपको क्या करना है, ये वाला जो नया वाला फोर्स होगा दिस फोर्स का 16 टाइम्स हो गया, जो कि आपने देखा यहां पे कैसे करा गया है, तो उससे काम आपका काफी आसान हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये प्रॉब्लम जो है 12th प्रॉब्लम का ए और बी पार्ट को मैंने डिस्कस किया है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे 13th प्रॉब्लम पे।
अब ये प्रॉब्लम जो है आपका 12th प्रॉब्लम का कंटिन्यूएशन है और ये एक बेहतरीन प्रॉब्लम है। कई दफे इसके कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं और देखते हैं ये प्रॉब्लम क्या है। कहा गया कि जो पिछला दो स्फेयर्स था, कॉपर स्फेयर्स थे, स्फेयर्स ए एंड बी, जिसकी साइज आइडेंटिकल है, मतलब उनकी रेडियस इक्वल है। अब कहा गया कि एक तीसरा स्फेयर आपने ले लिया, ए थर्ड स्फेयर ऑफ द सेम साइज, आइडेंटिकल साइज का, मतलब उसकी भी रेडियस वही है, और लेकिन वो अनचार्ज्ड है, वो जो है कांटेक्ट में लाया जाता है विद द फर्स्ट वन, मतलब ए के साथ, फिर इसके बाद उसे कांटेक्ट में लाया जाता है फिर बी के साथ, तो दूसरे के साथ, अब फाइनली उससे कांटेक्ट में लाकर फिर उसे रिमूव कर दिया जाता है थर्ड स्फीयर को। तो कहा गया कि क्या फोर्स और रिपल्सन होगा बिटवीन ए एंड बी इस प्रोसेस को करने के बाद। अब इसमें की कॉन्सेप्ट यूज करना है आपको, की कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि दो आइडेंटिकल स्फीयर्स को आप कॉन्टेक्ट में लाते हैं तो फाइनल जो चार्ज आती है इंडिविजुअल स्फीयर्स पे, कॉन्टैक्ट के पहले जो टोटल चार्ज था वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। देखिए मतलब ये मान लिया जाए ये और ये स्फीयर्स हैं जो आइडेंटिकल हैं, इसके ऊपर चार्ज Q1 है, इसके ऊपर चार्ज Q2 है, ये स्विच S है, अब ये ओपन है, डिस्कनेक्टेड है। अब आप इसको कनेक्ट कर देते हैं, तो कनेक्ट करने के बाद सिचुएशन जो बनेगी, जब कनेक्ट कर देंगे तो कनेक्ट करने का जो फाइनल चार्ज आएगा इसके ऊपर आएगा, दोनों का चार्ज मिला दीजिए और उसको दो से डिवाइड कर दीजिए, इक्वली दोनों में डिवाइड हो जाएगा। टोटल चार्ज पहले क्या था बिफोर कनेक्शन, Q1 प्लस Q2, अब कनेक्शन के बाद फाइनल चार्ज इसके ऊपर Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय 2 होगा और इस पे भी आपका Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय 2 होगा। इस की कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है, काफी काफी इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट है। अब उसके बेसिस पे देखा जाए तो देखिए स्फीयर ए और स्फीयर सी, पहले स्फीयर ए पे चार्ज कितना था, लेट से क्यू, जो प्रॉब्लम में दे रखा है आपका कुछ ना कुछ चार्ज तो था ना, जो कि आप पिछले प्रॉब्लम जो 12th प्रॉब्लम करें होंगे और हमने बताया भी आपको, तो उसमें चार्ज क्यू दे रखा है, तो लेट से उस चार्ज क्यू है। और सी पे कितना चार्ज है, अनचार्ज्ड है, तो दोनों को कॉन्टेक्ट में लाने के पहले टोटल चार्ज कितना था, क्यू था, क्यू प्लस जीरो। अब जैसे कॉन्टेक्ट में लाएंगे तो दोनों पे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्योंकि दोनों की साइज आइडेंटिकल है, मतलब क्यू बाय टू और क्यू बाय टू हो जाएगा। तो ए पे फाइनल चार्ज क्यू बाय टू हो जाएगा और सी पे फाइनल चार्ज क्यू बाय टू हो जाएगा, राइट। अब आप क्या कीजिए, सी को यहां से हटा दीजिए, मतलब ए और सी को हटा दीजिए, डिस्कनेक्ट कर दीजिए। डिस्कनेक्ट करने के बाद ए पे चार्ज क्यू बाय टू और सी पे क्यू बाय टू। अब सी को कनेक्ट करना है बी के साथ, तो बी के साथ, तो अब बी पे चार्ज कितना था, वो भी क्यू ही था, और C पे नया चार्ज कितना आ गया A के कांटेक्ट के बाद, वो आपका आ गया Q by 2। तो इसका अंदर B और C का कंबाइन चार्ज कितना हो गया, Q plus Q by 2, that means 3 Q by 2, कांटेक्ट में रखने के पहले, दोनों के कांटेक्ट में आने के पहले। अब जब आपने कांटेक्ट कर दिया तो टोटल चार्ज जो 3 Q by 2 है दोनों को स्फीयर मिला करके, तो दोनों के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब इसके ऊपर 3 Q by 4 आ जाएगा और इस पे भी 3 Q by 4 आ जाएगा, राइट। तो ये फाइनल चार्ज रहेगा, बी पे फाइनल चार्ज 3Q/4 होगा, राइट। अब आप सी को क्या कहा गया कि भाई कि इसको आप रिमूव कर दो, हटा दो आप यहां से, राइट। अब हटाने के बाद अब हमें नया फोर्स निकालना है ए एंड बी के बीच में, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है जो आपका 12th प्रॉब्लम था, वही सेम प्रॉब्लम है आपका, जो पिछला प्रॉब्लम था आपका 12th प्रॉब्लम, वही प्रॉब्लम है आपका। अब देखिए यहां पे सेपरेशन वही 0.5 मीटर है, पहले जो चार्ज क्यू दे रखी थी प्रॉब्लम है वो मैं आपको बता देता हूं, वो चार्ज पहले दे रखी थी 6.5 × 10⁻⁷ कूलम, तो अब नया चार्ज जो आ गया ए पे वो 6.5 × 10⁻⁷ डिवाइड बाय 2 आ गया, दैट मींस क्यू बाय 2, जहां क्यू की वैल्यू 6.5 × 10⁻⁷ कूलम है, राइट। बी पे जो फाइनल चार्ज आई है वो 3Q/4 आई है, जहां पे Q की वैल्यू फिर से 6.5 × 10⁻⁷ कूलम्ब है। अब हमें फोर्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो आप Q के टर्म में निकालिए और R के टर्म में निकालिए, R यहां पे 0.5 मीटर है, जो पिछले ही प्रॉब्लम का 12th प्रॉब्लम का ही कंटिन्यूएशन है, राइट, वो भी ए पार्ट का। अब देखिए यहां पे फोर्स क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q/2 × 3Q/4 Q1 × Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, राइट। अब 1/2 × 3/4 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 3/8 आ जाएगा, बाकी सारा टर्म तो 1.12 जो आपने प्रॉब्लम करा था वो भी पार्ट ए का बिल्कुल वही रहेगा,
दैट मींस 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, जहां पे क्यू की वैल्यू 6.5 इनटू 10⁻⁷ कूलम होगी और आर की वैल्यू आपकी 0.5 मीटर होगी। तो वहां पे 1.12 का जो पार्ट ए था उसमें फोर्स जो अभी हमने निकाल के बताया वो 1.5 इनटू 10⁻² न्यूटन था, तो नया वाला जो फोर्स हो जाएगा इस फोर्स का 3/8 टाइम्स, राइट। ऐसे करके फायदा क्या हो रहा है, हमें कैलकुलेट करना आसान कर हो रहा है, कैलकुलेशन बड़ा सिंप्लीफाई हो रहा है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। तो नया वाला फोर्स जो हो जाएगा, जो 1.12 एक्सरसाइज का पार्ट ए करा था, उस फोर्स का 3/8 टाइम्स, तो 3/8 इंटू दैट फोर्स, दैट मींस 3/8 इंटू 1.5 इंटू 10⁻² न्यूटन। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट 5.7 इंटू 10⁻³ न्यूटन। दिस वाज द फोर्स बिटवीन दीज टू स्फीयर्स ए एंड बी, फाइनली रहेगा और ये फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, राइट। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को करा जाएगा। काफी अच्छा प्रॉब्लम है, बेहतरीन प्रॉब्लम है, कई दफे ऐसे क्वेश्चन एंट्रेंस में भी आते रहते हैं और मैं समझता हूं कि ये आपका जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छे प्रॉब्लम में आता है। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर बात करते हैं, राइट। यहां पे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 इसके प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपका चार्ज एंड फील्ड से रिलेटेड है। अब देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। बहुत ही बढ़िया सा प्रॉब्लम है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस खासकर काफी अच्छा है। कहा जा रहा है कि चेक करना है रेशियो ये के ई स्क्वायर बाय जी एम ई इंटू एम पी की, ये डायमेंशनलेस है। दूसरी बात, हमें इसकी वैल्यू पता करनी है और साथ बताना है फिजिकल मीनिंग। तो देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये के ई स्क्वायर है, इसको आर स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। तो के ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर एक तरह से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है। दूसरा नीचे देखिए जी एम ई एम पी बाय आर स्क्वायर कर दीजिए, इसे भी नीचे आर स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स बता रहा है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच में। कहने का मतलब है कि ऊपर वाला भी टर्म एक तरह से फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, नीचे वाला टर्म आपका ग्रेविटेशनल फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो दोनों का रेशियो जो है एक तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का है। अब हमें यह पता है कि जब भी रेशियो सेम फिजिकल क्वांटिटी का होगा तो ऑब्वियस बात है डायमेंशन लेस होगा, तो इसका मतलब ये डायमेंशन लेस है। बहुत ही आसान सी बात है। अब देखिए इसको करके भी देख लेते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन लिया मैंने, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एफ से मैंने डिनोट कर रखा है। ऑब्वियस बात है अनलाइक पॉइंट चार्ज है तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी के ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, जहां पे के पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। देखिए अब यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स देखा जाए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग ये जो फोर्स होगी होगी जी एम ई एम पी बाय आर स्क्वायर। अब इन दोनों का रेशियो ले लीजिए तो ये आ जाएगा। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं आर स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, ये प्रूव हो गया कि दिस विल बी इक्वल टू एफ ई बाय एफ जी, दैट मीन दिस वन विल बी द बेसिकली द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। बहुत आसान है। इसका मतलब ये हो गया कि रेशियो यदि है, ये रेशियो ऑफ फोर्सेस है, इसका मतलब सिंपल सी बात है डायमेंशनलेस क्वांटिटी जो मैंने अभी डिस्कस किया। अब इसकी वैल्यू हम लोग निकालते हैं, बताइए के की वैल्यू क्या होती है एसआई यूनिट, 9 इंटू 10⁻⁹ एसआई यूनिट में होती है, राइट। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁹, इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी चार्ज मैग्नीट्यूड यही होता है, प्रोटॉन पे तो होता ही है प्लस में इतना, तो ई की जगह पे इतना प्लेस कर दिया 1.6 इंटू 10⁻⁹, के की जगह पे 9 इंटू 10⁻⁹, जी की जगह पे 6.67 इंटू 10⁻⁺ एसआई यूनिट में वैल्यू होती है इसकी, एम ई 9 इंटू 10⁻³ केजी, पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब प्रोटॉन की मास होती है 1.67 इंटू 10⁻²⁷ केजी। इसको सिंप्लीफाई कीजिए ध्यान से, आपके पास आएगा ये रेशियो 2.3 इंटू 10⁻³। बहुत ही बड़ी वैल्यू है 2.3 इंटू 10⁻³, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स के रिस्पेक्ट में इतना टाइम्स ज्यादा है। इसका मतलब इसका फिजिकल मीनिंग ये हो गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू ग्रेविटेशन फोर्स के मुकाबले बहुत बहुत ज्यादा होती है। इसका मतलब ये हो गया कि ग्रेविटेशन फोर्स इट इज द बेसिकली वीकेस्ट फोर्स, इसका मतलब ये भी कह सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड ग्रेविटेशन फोर्स के मुकाबले बहुत ही ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है, राइट। तो इसका ये फिजिकल मीनिंग है यहाँ पे। तो इस तरीके से मैंने ये प्रॉब्लम डिस्कस किया आपके सामने। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रॉब्लम के ऊपर बात करते हैं।
अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। तो सबसे पहली बात ये आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन क्या होगा, यदि चार्ज पॉजिटिव हो तो यहाँ पे अवे फ्रॉम द चार्ज होगा किसी पॉइंट पे जो कि डिस्टेंस आर पे है, और वैल्यू जो इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, मैग्नीट्यूड जो होगी वो के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर होगी। तो ये हमने अभी जो बात करी है वो प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फाइंड आउट किया है। अब हम लोग देखते हैं माइनस क्यू का फील्ड। तो माइनस क्यू का जो फील्ड होगा मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा बट डायरेक्शन टुवर्ड द चार्ज होता है। तो माइनस क्यू का जो फील्ड होगा, माइनस क्यू ये पॉइंट चार्ज है, और इस पॉइंट चार्ज का माइनस क्यू का जो फील्ड होगा यहाँ पे वो टुवर्ड द चार्ज होगा दिख रहा है, और मैग्नीट्यूड की वैल्यू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर ही रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या देखा है कि प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर, यदि चार्ज पॉजिटिव हो तो फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, यदि चार्ज निगेटिव हो तो फील्ड का डायरेक्शन किसी पॉइंट पे टुवर्ड्स द चार्ज होगा जो कि दिख रहा है आपको। अब मैग्नीट्यूड की वैल्यू के क्यू बाय आर स्क्वायर रहेगी। अब हम लोग क्या करते हैं, यदि सराउंडिंग में कई सारे चार्जेज हो, काफी सारे चार्जेज हो सराउंडिंग में, तो उस केस में हम लोग किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, तो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करेंगे। तो हम लोग ये काफी एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लेते हैं, दिस वन इज द नेगेटिव पॉइंट चार्ज, दिस वन इज द पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, एक माइनस क्यू है दूसरा प्लस क्यू है, और इनके बीच का सेपरेशन टू है। ऐसे सिस्टम को हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं, और हमारे को इस पॉइंट पे इस डायपोल की वजह से फील्ड देखनी है। तो हमारा अप्रोच वही रहेगा, सबसे पहले मैं प्लस क्यू की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, और फिर माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर उनका वेक्टर सम ले लेंगे। ये वाला पॉइंट इस मिड पॉइंट से डिस्टेंस एक्स पे है, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन टू ए है, राइट। तो इस लाइन को इस इलेक्ट्रिक डायपोल का एक्सियल लाइन कहते हैं। तो आप देखिए ध्यान से, इस प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो जाएगा अवे फ्रॉम द चार्ज, जिसको हम लोग ई प्लस से डिनोट कर सकते हैं। फिर इस माइनस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होगा, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे ई माइनस। अब बताइए कि इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी। ऑब्वियस सी बात है, इस प्लस क्यू का फील्ड यहां पे ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, बट ये वाला पॉइंट इसके नजदीक होने की वजह से इस पॉइंट पे ई प्लस की मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी और ई माइनस की मैग्नीट्यूड कम होगी, राइट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्लस के डायरेक्शन में रहेगा, राइट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में होगा, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई की जो वैल्यू हो जाएगी ई प्लस माइनस ई माइनस, राइट। हम लोग E पैरेलल से डिनोट करते हैं। E पैरेलल का मतलब क्या होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डायपोल अलोंग द एक्सिस ऑफ द डायपोल। तो ये E पैरेलल, E पैरेलल की वैल्यू जब आप निकालेंगे, जो कि आप खुद वर्कआउट करके निकालना घर पे, तो आपकी E पैरेलल की जो वैल्यू आ जाएगी सब कुछ कैलकुलेशन के बाद, और इस रिजल्ट को आपको याद भी रखना चाहिए, दिस E पैरेलल विल बी इक्वल टू, जब आप नेट फील्ड इस पॉइंट पे निकालेंगे तो E पैरेलल आपके पास आ जाएगा के क्यू फोर ए एक्स, 4ax डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। तो ये चूंकि सिस्टम एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, और इस इलेक्ट्रिक डायपोल की एक डायपोल मोमेंट होती है जिसकी वैल्यू होती है p इक्वल टू q इंटू टू ए। ये हालांकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है इट विल बी डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे q और a को रिप्लेस कर सकते हैं p से। जब आप यहाँ पे P के टर्म में इस इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा K into 2PX upon X square minus A square का whole square। ये रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इस रिजल्ट को आपको डायरेक्टली याद रखना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, इसको यदि मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो हम लोग क्या करेंगे कि E पैरेलल का जो डायरेक्शन होगा वही होगा जो P का डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन आपका E पैरेलल का है, और नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज डायपोल मोमेंट डायरेक्टेड होती है, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन आपका ये रहेगा, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है, राइट। और E पैरेलल का भी डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में ही है, इसका मतलब E पैरेलल और P का डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसका मतलब ये हो गया कि मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकता हूं, मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूं, E पैरेलल विल बी इक्वल टू द वेक्टर E पैरेलल, द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द डायपोल विल बी रिटन एज 2kx p वेक्टर अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये एक काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद रखना चाहिए, ये काफी जगह यूज भी होएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक स्मॉल डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता करते हैं। स्मॉल डायपोल का मतलब क्या है, स्मॉल डायपोल का मतलब है कि इन दो पॉइंट चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो काफी कम रहेगा एज कम्पेयर टू एक्स, राइट। फिजिकल डायपोल्स में ऐसा ही होता है। तो यदि यहाँ पे ए की वैल्यू काफी कम होगी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे ए स्क्वायर निगलेक्ट हो जाएगा, और ए स्क्वायर निगलेक्ट हो गया तो द रिजल्ट विल कम आउट 2kp अपॉन एक्स क्यूब। तो हम लोग ई पैरेलल को लिख सकते हैं यहाँ पे 2kp वेक्टर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब।
दिस वन इज द इंपॉर्टेंट रिजल्ट। यहाँ पे के की वैल्यू 1/4 epsilon नोट है, यहाँ पे के की वैल्यू 1/4 epsilon नोट है, जो कि पहले से हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं। और फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं, ये रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का है, ये भी रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का है, ये रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायपोल की वजह से अलोंग द एक्सिस ऑफ द डायपोल है, राइट। ये भी रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डायपोल है अलोंग द एक्सिस ऑफ द डायपोल। अब ये रिजल्ट तब अप्लाई करेंगे जब हम लोग स्मॉल डायपोल की बात करते हैं। इन जनरल मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम हम लोग स्मॉल डायपोल की ही बात करते हैं, राइट। तो ये रिजल्ट भी आपको ध्यान में रखना है और ये रिजल्ट भी ध्यान में रखना है। हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट रिजल्ट के ऊपर बात करने जा रहे हैं। फिर से हमने एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज लिया है, दे आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस 2a, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये डायपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम लोग इक्वेटोरियल लाइन भी कहते हैं। तो इस इक्वेटोरियल लाइन पे या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डायपोल पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं, जो कि इस मिड पॉइंट से डिस्टेंस y पे है। तो इस मिड पॉइंट से डिस्टेंस y पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द सेम प्रोसीजर, जो कि आपको डिनोट करना है e परपेंडिकुलर से। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ड्यू टू दिस डायपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसकी वैल्यू हम लोग फिर से उसी तरीके से बेसिक प्रोसीजर से निकालेंगे जैसा कि पीछे हमने पॉइंट चार्ज की वजह से निकाल रखा है, कि पहले इस पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर इस पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर दोनों का वेक्टर सम ले लीजिएगा, तो इससे e परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी। हम लोग डायरेक्टली e परपेंडिकुलर के रिजल्ट को देखेंगे और रिजल्ट को आपको याद भी रखना है। तो e परपेंडिकुलर का जो रिजल्ट आएगा वो देखिए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड होगी वो होगी 2kqa/y² + a² raised to the power 3/2। a ये वाला डिस्टेंस है, a ये वाला डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस y है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड ये आएगी ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डायपोल। और डायरेक्शन जो होगा वो डायरेक्शन p के डायरेक्शन के ठीक अपोजिट होगा। हमें ये पता है कि P की वैल्यू Q इंटू 2A के इक्वल होती है, तो इस रिजल्ट को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ P से। तो P से रिप्लेस करने के बाद ये रिजल्ट आ जाएगा आपका kp/y² + a² raised to the power 3/2। ये रिजल्ट आपका आ जाएगा, E परपेंडिकुलर का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो आ जाएगा आपका kp/y² + a² raised to the power 3/2। अब इस रिजल्ट को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं स्मॉल डायपोल के लिए। यदि स्मॉल डायपोल होगा तो फिर से वही बात आती है कि y की वैल्यू a के रिस्पेक्ट में काफी ज्यादा होगी, मतलब a की जो वैल्यू होगी y के रिस्पेक्ट में काफी काफी कम होगी। तो यदि a की वैल्यू y के रिस्पेक्ट में काफी काफी कम है तो हम लोग इस चीज को निग्लेक्ट कर देंगे। जब इस चीज को निग्लेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे रह जाएगा वाई क्यूब। तो E परपेंडिकुलर की वैल्यू, E परपेंडिकुलर जो होगी स्मॉल डायपोल की वैल्यू, तो वो आ जाएगी आपकी kp/y³। ये रिजल्ट तब वैलिड है जब a की वैल्यू बहुत ही कम हो, मतलब ये एक स्मॉल डायपोल के लिए वैलिड है, राइट। तो ये रिजल्ट को भी आपको याद रखना है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड है। यदि मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा E परपेंडिकुलर टू इक्वल टू -kp/y³। मैं इसी को यदि वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं तो वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा -kp/y³। माइनस साइन क्यों दिया गया, बिकॉज p का डायरेक्शन आप देख रहे हैं राइट में है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे वो इसके ठीक अपोजिट है, इसलिए e परपेंडिकुलर का डायरेक्शन और p का डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से यहाँ पे निगेटिव साइन आया है, राइट। तो इस रिजल्ट को भी आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रहना चाहिए। तो ये हमने अभी जो डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डायपोल और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डायपोल, दोनों रिजल्ट आपको याद रखना है। एक तो अलोंग द एक्सिस ऑफ द डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखना है, दूसरा आपको अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दैट मींस इक्वेटोरियल लाइन के अलोंग। तो ये दोनों रिजल्ट को आपको दिमाग में रखना है, ये काफी काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। इन रिजल्ट का यूज करके हम लोग कई सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी एक पॉइंट चार्ज ले लेते हैं, उस पॉइंट चार्ज को हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया। हमने इसमें क्या देखना है कि एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E है और इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक पॉइंट चार्ज Q नोट को रख दिया है। जब पॉइंट चार्ज Q नोट को रखा है तो इस Q नोट के ऊपर जो फोर्स लगेगा दैट फोर्स इज गिवन बाय Q नोट इनटू E वेक्टर, राइट। तो दिस वन इज द फोर्स। तो हम लोग अब यहाँ पे यही बात करने जा रहे हैं कि यदि किसी पॉइंट चार्ज को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया जाए तो क्या हो सकता है। तो ऑब्वियसली बात है उसके ऊपर फोर्स लगेगा, और यदि फोर्स यहाँ पे लगेगा तो पार्टिकल एक्सलरेट हो जाएगी, और वो एक्सलरेशन जो देंगे वो न्यूटन सेकेंड लॉ से देंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है कि नेट फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन। F वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉ से मास इनटू एक्सेलरेशन। M क्या है यहाँ पे, M इज द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, राइट, जिसके ऊपर चार्ज कितनी है क्यू नॉट है। तो उस पार्टिकल के एक्सेलरेशन कितने दे सकते हैं, तो डेट एक्सेलरेशन विल कम आउट, एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल विल बी इक्वल टू क्यू नॉट E वेक्टर डिवाइडेड बाय M। K
क्यू नोट बाय एम को हम लोग स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं, राइट। तो ये काफी काफी एक इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जो आपको ध्यान में रखनी है। अब हम लोग जो है इसी के ऊपर हम लोग एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर बात करने जा रहे हैं, और ये प्रॉब्लम नंबर आपका 1.8 है। देखते हैं ये प्रॉब्लम क्या है। इसमें कहा गया 2 पॉइंट चार्ज आपके पास है, क्यूए 3 माइक्रोकुलम, अब ये वाला चार्ज पॉइंट ए पे प्लेस्ड है, अब -3 माइक्रोकुलम पॉइंट बी पे प्लेस्ड है, राइट। और अब वैक्यूम में तो वहां पे डायरेक्ट कॉन्स्टेंट 1 ले लेंगे हम लोग, 20 सेंटीमीटर एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर पे हैं। अब कहा गया कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ए बी। एक तो ये बात है, नेगेटिव टेस्ट चार्ज है जिसके वैल्यू 1.5 × 10⁻⁹ कूलम्ब है, उसको हमने ओ पे प्लेस कर दिया, तो इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दीज टू चार्जेज। ये प्रॉब्लम है आपका। अब देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर बात करते हैं। यहां पे दो पॉइंट चार्ज का यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं किसी भी पॉइंट पे, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज होती है। हमें जैसा कि पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड होती है के क्यू बाई आर स्क्वायर होती है, यहाँ पे के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होती है, और डायरेक्शन ये होता है कि यदि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होती है या पॉजिटिव चार्ज होता है तो फील्ड जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वो अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, और नेगेटिव चार्ज होता है तो टुवर्ड्स द चार्ज होती है। तो आप क्या करेंगे, पॉइंट ओ पे जो मिड पॉइंट है ए बी का, सबसे पहले वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज ए निकाल लीजिए, बी को भूल जाइए, बी है ही नहीं है समझिए, फिर बी का निकाल लीजिए विथ डायरेक्शन, दोनों ही केस में डायरेक्शन ध्यान रखना है। अब फिर उनका वेक्टर सम ले लीजिए, दिस वाज द प्रोसीजर, और यही कराता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, राइट। तो यही हमने करा है। अब मैं बता देता हूं आपको, ये पॉइंट ए पे 3 माइक्रोकूलम्ब है, पॉइंट बी पे -3 माइक्रोकूलम्ब है, वो इसका मिड पॉइंट है, यहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। अब सबसे पहले 3 माइक्रोकूलम्ब का निकालेंगे, चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इससे अबे होगी, तो अबे होने का मतलब इधर हो गया, देखिए ध्यान से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज ए जो है ई ए है, जो चार्ज ए पे प्लेस्ड है वो ई ए है, इसका ये डायरेक्शन है अबे फ्रॉम द चार्ज, इसकी वैल्यू क्या होगी के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब देखिए बी का, बी पे जो चार्ज प्लेस्ड है निगेटिव चार्ज है, और निगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है टुवर्ड्स द चार्ज, तो टुवर्ड्स द चार्ज का मतलब इधर ही डायरेक्शन हो गया, इसका मतलब बी पे जो चार्ज प्लेस्ड है उसकी फील्ड का डायरेक्शन इधर ही होगा, ये देखिए डायरेक्शन इधर ही दिखाई गई है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है बिल्कुल, तो वेक्टर सम क्या होगा, दोनों सिंपली एड अप हो जाएगी, तो यही करा गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड सिंपली दोनों एड हो गई है क्योंकि डायरेक्शन दोनों का सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो के क्यू 3 × 10⁻⁶ कूलम, इसकी डिस्टेंस 0.1 मीटर होगी क्योंकि टोटल ए बी का जो ए से बी का डिस्टेंस है वो 0.2 मीटर है, 20 सेंटीमीटर है, तो मिड वे पे बात करी गई, मिड पॉइंट पे तो 0.1 मीटर, तो 0.1 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट ए। अब बी का, बी पे जो चार्ज प्लेस्ड है उसका देखिए 9 × 10⁻⁹, अब यहां देखिए यहां चार्ज की मैग्नीट्यूड केवल प्लेस करेंगे क्योंकि नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज केवल ये बताता है कि फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, फील्ड की मैग्नीट्यूड तो कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती है, किसी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, तो यहां पे जस्ट आप मैग्नीट्यूड प्लेस करेंगे, डायरेक्शन तो हमने ले लिया नेगेटिव चार्ज का, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टुवर्ड्स द चार्ज है, तो वही 3 × 10⁻⁶ कूलम्ब है इसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और डिस्टेंस में से 0.1 मीटर ये वाला। अब इसको सिंपली कैलकुलेट कर लीजिए, जब इसको इस एक को कैलकुलेट करके उसको ट्वाइस कर देना आप, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम आउट 5.4 × 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम, ये फील्ड होगी नेट। अब किस डायरेक्शन होगी, इस डायरेक्शन होगी टॉर्स बी होगी क्योंकि दोनों फील्ड का डायरेक्शन इधर ही है, तो बी के टॉर्स होगी, तो डायरेक्शन विल बी टॉर्स बी। तो इस तरह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट वो निकल गया। अब हमारे को सेकेंड पार्ट निकालना है कि यदि एक टेस्ट चार्ज 1.5 × 10⁻⁹ कूलम का जो नेगेटिव टेस्ट चार्ज है ओ पे प्लेस कर दे तो कितना बेसिकली फोर्स लगेगा। तो समझिए बात को, टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई में लगता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो क्या होता है एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई वेक्टर, यहाँ पे क्यू नॉट हो गई टेस्ट चार्ज की वैल्यू, तो क्यू नॉट इंटू ई वेक्टर। अब पॉइंट यहाँ पे है कि फोर्स का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तब सेम होगा जब क्यू नॉट पॉजिटिव होगी, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होगा, लेकिन टेस्ट चार्ज यदि नेगेटिव हो गया तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होगा। इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये टॉर्स बी,
चूंकि टेस्ट चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स एक्टिंग ऑन दैट नेगेटिव टेस्ट चार्ज विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मींस इधर होगा, समझिए बात को, टुवर्ड्स ए होगा, तो फोर्स का डायरेक्शन ये हो गया। अब फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी होगी, सिंपली टेस्ट चार्ज की वैल्यू, जो कि नेगेटिव के साथ नहीं डालेंगे फिर से क्योंकि मैग्नीट्यूड निकाल रहे, डायरेक्शन तो हमने ले ही लिया टुवर्ड्स ए जो कि अभी हमने बात करी है, तो वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज की 1.5 इंटू 10⁻¹ कूलंब है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपने निकाल रखा है, यहां पे प्लेस कीजिए, कैलकुलेट कीजिएगा, इट विल कम आउट 8.1 इंटू 10⁻³ न्यूटन एंड द डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स ए। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को वर्कआउट किया जाएगा। तो मैंने आपके सामने इस तरीके से डिस्कस किया, फंडामेंटल प्रॉब्लम है फील्ड एंड फोर्स का, एफ इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई का, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फंडामेंटल प्रॉब्लम है और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी यहाँ पे यूज हो रही है। तो इस तरीके से ये फंडामेंटल प्रॉब्लम के थ्रू आपका पूरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का अप्लीकेशन है वो बहुत ही क्लियर होता है। राइट, आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर बात करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज रिलेटेड है और ये प्रॉब्लम आपका एक्चुअली डायपोल मोमेंट से रिलेटेड है। और प्रॉब्लम क्या कर रहा है देखिए, कहा गया दो चार्जेज हैं, एक सिस्टम है जिसमें दो चार्ज है, एक 2.5 इंटू 10⁻¹ कूलम का, दूसरा -2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। पॉजिटिव चार्ज 0.0-15 सेंटीमीटर प्लेस्ड है, मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस पे, नेगेटिव चार्ज 0.0-15 सेंटीमीटर पे प्लेस्ड है, मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस पे। पहला क्वेश्चन कहा गया कि टोटल चार्ज बताइए और दूसरा कहा गया टोटल डायपोल मोमेंट, मतलब या कहें डायपोल मोमेंट पी वेक्टर बताइए। राइट, अब देखिए यहां पे टोटल चार्ज तो सिंपल सी बात है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, तो टोटल चार्ज जो सिस्टम का सिंपली सब ऐड कर देंगे, तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे आप तो सिंपली इट विल कम आउट जीरो, हेंस द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज जीरो। वैसे भी कहा जाए तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जो टोटल चार्ज सिस्टम की होती है जीरो ही होती है, क्योंकि एक चार्ज प्लस क्यू होता है, दूसरा चार्ज माइनस क्यू होता है। अब डायपोल मोमेंट कैसे निकलेगा, तो डायपोल मोमेंट विल बी इक्वल टू द क्यू इंटू डी एंड दिस डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू का, and the direction of dipole is directed from negative charge to positive charge, बहुत important है, क्योंकि direction यहाँ पे बताना है। तो देखिए system क्या है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे x y z ये coordinate system बना दिया है, negative z axis है, ये आपका z axis है, ये positive z axis है और ये वाला negative z axis है, तो negative z axis 0.0-15 पे positive charge placed है और पॉजिटिव जेड एक्सिस पे 0.0-15 सेंटीमीटर पे नेगेटिव चार्ज प्लेस्ड है। डायरेक्शन ऑफ डायपोल इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, दैट मींस इट विल बी डायरेक्टेड फ्रॉम पॉइंट बी टू ए, इधर को डायरेक्शन होगा, देखिए यहां पे ये डायरेक्शन होगा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, दैट मींस द डायरेक्शन ऑफ डायपोल विल बी अलोंग द नेगेटिव जेड एक्सिस, एग्जैक्ट ये बोला जाएगा। राइट, अब इसकी वैल्यू जो होगी यहां पे कैसे निकालेंगे, तो पी इक्वल टू क्यू इंटू डी वेक्टर, डी वेक्टर इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। राइट, क्योंकि जो डी वेक्टर का डायरेक्शन होगा वही पी वेक्टर का डायरेक्शन होगा। राइट, अब डी वेक्टर कितना होगा, व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन दिस टू, 30 सेंटीमीटर, तो 30 इंटू 10⁻² मीटर, तो डी का मैग्नीट्यूड 30 इंटू 10⁻² मीटर हो गया, क्यू 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम लेंगे और नेगेटिव जेड एक्सिस के लिए माइनस के कैप लगा दिया मैंने, because the deployment is directly along the negative z axis. इसको calculate कीजिएगा तो it will come out 7.5 into 10⁻⁸ कूलम मीटर along the negative z axis. तो this one is the basically deployment of this system. तो इस तरीके से इस problem को मैंने आपके साथ discuss किया है। आगे बढ़ते हैं, next problem के ऊपर बात करते हैं। Now I am going to discuss the problem of NCERT and the problem belongs to the chapter of electric charge and field and the problem number is 1.25 of additional exercise. I am going to read the problem. The problem is that there is an oil drop of 12 excess electrons and it is at rest, that means stationary, under a constant electric field. The electric field is constant and the value of the electric field is 2.55 into 10⁴ Newton per coulomb in Millikan's oil drop experiment. This one is the experiment performed by the scientist Millikan. And using this experiment, we can find the experimental value of the electronic charge. The density of the oil is 1.26 gram per cubic centimeter. As per my knowledge,
the density of the oil which is given in this problem is wrong. If the density will be taken as 1.26 gram per cubic centimeter, then this density will be greater than the density of water. And if the density of the oil will be greater than the density of the water, then oil cannot float on water, right? The correct density of oil which can be taken will be 875.3 kg per cubic meter. This one is the correct density of oil. I'm going to take this density of oil which is given in the problem, although it is wrong. What is the problem? We have to estimate the radius of the drop. First of all, I am going to discuss the approach of this problem. As the drop is stationary, that means the net force acting on the drop will be equal to zero. What are the different forces that will act on the drop? One is the weight mg, which will act vertical downward, and another one is the force acted by the electric field. Obviously, the drop is at rest and the weight mg is acting vertical downward, hence the force acted by the electric field on the drop must be vertical upward, and that force will be equal to q into e, where q will be the charge on the drop, and that will be equal to 12 e, and e the electric field which is given in the problem, 2.55 × 10⁴ newton per coulomb. As the drop is at rest, hence qe minus mg will be equal to zero, and from this we can calculate the value of mass m. That mass will be written as in the terms of density into volume, and the volume of the drop is 4/3 πr³, because the drop is spherical, and from this we can get the value of radius of the drop, right? This is the approach of this problem. Now I am going to discuss this problem in detail. This one is the oil drop, and this drop has a 12 electrons. The magnitude of the charge on the drop will be given by q equal to ne, and n is 12 and e is the electronic charge. This will be written according to the quantization of charge principle, right? The drop is under the constant electric field and the drop is at rest. Now I am going to draw the free body diagram of this. Free body diagram of the drop is this one. Here you can see that there are two forces acting on this drop. One is the weight mg, which will act vertical downward by the earth. As the drop is at rest, hence the force acted by the electric field on the drop must be upward, and this force will be given by QE, where Q is the total charge on the drop and E is the electric field. You can see that the drop is negatively charged, and hence the electric field must be downward such that the force acted by this electric field on this drop will be upward, right? As the drop is at rest, hence we can say that QE minus mg will be equal to zero, right? Or you can say mg minus qe equal to zero. Qe minus mg equal to zero, and from this we can write down mg equal to qe, m equal to rho v, and the volume will be 4/3 πr³. Now place this value of mass m in this expression, right? You can get the expression from which we can calculate the radius of the drop. Value of mass m in this expression, and after placing you can get this expression. After placing the value of mass m, rho into 4/3 πr³, you can get this expression. As the value of q equal to 12e, and place this value q equal to 12e, simplify the whole thing and you will get the radius r will be equal to 12 into e is the electronic charge, capital E is the electric field which is given in the problem, into 3, right, divided by 4 π rho g raised to the power 1/3. And from this expression you can get the value of radius of the drop by placing the value of electronic charge 1.6 × 10⁻¹⁹ coulomb, 1.60 × 10⁻¹⁹ coulomb. Place the value of electric field 2.55 × 10⁴ newton per coulomb. Density of the oil is 1.26 gram per cubic centimeter, which will be converted into kg per cubic meter. Multiplying this by 1000, you can get the value of density in terms of kg per cubic meter, and place the value of g equal to 9.81 meter per second square, right? You have to write down the value of pi equals to 3.14. After placing all these values, you can get the value of radius of the drop, 9.81 × 10⁻¹⁷ meter, right, which will be converted into millimeter, and it will be equal to 9.81 × 10⁻⁴ millimeter. Every data has a significant figure equals to 3. You have to keep in your mind while doing the calculation, right? मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज रिलेटेड है,
और ये आपका प्रॉब्लम नंबर 1.33 है। ये भी काफी बेहतरीन प्रॉब्लम है और ये भी प्रॉब्लम एक अच्छे लेवल के प्रॉब्लम में आता है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ में ये ऐसे प्रॉब्लम एंट्रेंस के लेवल से काफी दफे पूछे गए हैं। तो देखिए प्रॉब्लम क्या है। ये प्रॉब्लम कहा गया कि एक पार्टिकल है जिसकी मास एम है, चार्ज माइनस क्यू है, देख सकते हैं आप, एंटर कर रहा है यहां पे स्पेस बिटवीन द टू चार्ज प्लेट्स। एक दो चार्ज प्लेट है, ये दोनों चार्ज प्लेट्स हैं, आप समझिए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह है, जो कि आपके नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। और ये पार्टिकल एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है, ये मैंने एक्स एक्सिस ले रखा है और ये मैंने वाई एक्सिस ले रखा है, और इस प्लेट में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, जो कि डाउनवर्ड है, क्योंकि ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है। तो ऑब्वियस बात है इलेक्ट्रिक फील्ड अभी फ्रॉम द चार्ज होती है पॉजिटिव चार्ज के और टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होती है, तो फील्ड यहाँ पे डाउनवर्ड है, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, देखिए ध्यान से, राइट। और इसमें ये पार्टिकल अलोंग द एक्स एक्सिस विद द स्पीड वी एक्स एंटर करी है। लेंथ ऑफ द प्लेट एल कहा गया है, तो कहा गया कि भाई कि वर्टिकल डिफ्लेक्शन, जो ये वाला वर्टिकल डिफ्लेक्शन है जिस समय ये पार्टिकल छोड़ेगा प्लेट को, राइट, प्रूव करना है कि जिस समय पार्टिकल मतलब फार एज पे, फार एज का मतलब इस एज पे, इस किनारे पे ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन है, देखिए क्यू ई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू एम वी एक्स स्क्वायर, ये इसका वर्टिकल डिफ्लेक्शन होगा। यहां पे ये प्रॉब्लम है, ऐसा ही प्रॉब्लम हमने जो है पीछे भी कर रखा है इसी एक्सरसाइज के अंदर है, जिसमें से ये कहा गया कि भाई कि कौन से तीन चार पार्टिकल का डिफ्लेक्शन दिखा रखा है, तो उसमें पूछा गया कि कौन सा पॉजिटिव चार्ज है कौन सा निगेटिव चार्ज है, वो भी एक अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। साथ में ये भी पूछा गया था वहां पे कि किसकी स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी, तो वो वाला जो प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम जो है बेसिकली एक ही प्रॉब्लम है, एक ही बात है। और ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम लोग, ये एक तो काइनेमेटिक्स जो आपका इलेवेंथ के चैप्टर में आपने कर रखा है, मोशन इन टू डायमेंशन उसका कॉन्सेप्ट यूज होगा, और साथ में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो एक्चुअली ये प्रॉब्लम जो है जो कि इन्वॉल्व करता है सारी बातें, वो मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं बताना चाहता हूं, जो कि आपने क्लास 11th में टू डायमेंशनल मोशन या प्रोजेक्टाइल मोशन या कहें मोशन इन द प्लेन में कर रखा था। उसमें यही होता था कि पार्टिकल की जो मोशन होती थी वो एक्स वाई प्लेन में होती थी, राइट, उसी तरह से यहाँ पे मोशन एक्स वाई प्लेन में होगा। अब बात ये होती थी कि एक्स एक्सिस को आप हॉरिजॉन्टल जनरली ले लेते थे, जरूरी नहीं है ले लेते हैं हम लोग, और वाई एक्सिस को यहाँ पे वर्टिकल ले लेते हैं। और प्रॉब्लम का अप्रोच ये होता है कि मोशन को हम लोग ब्रेक कर देते हैं, टू डायमेंशनल मोशन को हम लोग ब्रेक कर देते हैं, एक अलग से सोचेंगे एक्स एक्सिस के लिए और एक अलग से सोचेंगे वाई एक्सिस के लिए, ताकि ये अप्रोच जब लगाएंगे प्रॉब्लम में तो आपका प्रॉब्लम करना काफी आसान हो जाएगा ये। इसलिए यहाँ पे हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को लेके काम करेंगे जो आपने क्लास 11th में मोशन इन द प्लेन करा था। वहां पे आप यही तो करते थे कि एक पार्टिकल को स्पीड यू से एट एन एंगल ऑफ थीटा वर्टिकल प्लेन में फेंक देते थे, तो पार्टिकल की पाथ याद कीजिए कैसे होती थी, पैराबोलिक होती थी। आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग की वेलोसिटी लिखते थे, आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग की एक्सेलरेशन लिखते थे, आप इनिशियल पोजिशन लिखते थे एक्स में, वही काम बिल्कुल वाई में करते थे कि वाई का इनिशियल पोजिशन लिखते थे, वाई के अलोंग की इनिशियल वेलोसिटी लिखते थे, वाई के अलोंग की एक्सेलरेशन लिखते थे, फिर आप पोजिशन निकालते थे किसी भी टाइम टी पे, फिर मैक्सिमम हाइट निकालते थे और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते थे यूजिंग दैट, वही बिल्कुल यहां पे करना है, राइट। अब देखिए यहां पे ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, जहां से पार्टिकल को फेंका गया है वो मैं पॉइंट ओरिजिन ले लेता हूं 0.0, तो ये दिस वाइज द एक्स एक्सिस, दिस वाइज द वाई एक्सिस। तो क्या हुआ कि मैंने एक टेबल बना रखा है, देखिए एक्स का एक और इधर वाई का, इनिशियल पोजिशन हमने पार्टिकल की 0.0 ले रखी है, इनिशियल पोजिशन को मैंने एक्स नोट से डिफाइन कर रखा है और एक्स का और वाई नोट वाई का, तो दोनों ही 0.0 है, एक तो ये बात है। वेलोसिटी देखेंगे तो वेलोसिटी इनिशियली केवल एक्स एक्सिस में पार्टिकल की, वाई एक्सिस में तो है ही नहीं वेलोसिटी, तो व्हाट इज द वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस, तो इट विल बी vx, मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस इज vx, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस इज 0, क्योंकि इनिशियली केवल पार्टिकल अलोंग द एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विद स्पीड vx दे रखा है। अब देखिए यहां पे एक्सेलरेशन यदि आप निकालना चाहते हैं तो एक्सेलरेशन तो तभी निकलेगा ना जब फोर्स की जानकारी हो,
क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट। तो यहां पे हम लोग नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब बताइए इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स क्या लग रहा है, फोर्स यहां पे वर्टिकल अपवर्ड लग रहा है क्यूई, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, चूंकि चार्ज निगेटिव है, क्योंकि चार्ज निगेटिव बोला गया है तो क्यूई जो लगेगा वो अपवर्ड लगेगा। बहुत ही आसान सी बात है कि फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉइंट चार्ज इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्यूई, ये होता है। और फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में तब होता है जब कि चार्ज जिसके ऊपर फोर्स देख रहे हैं वो पॉजिटिव हो, यदि वो निगेटिव होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट लगती है। इसलिए यहाँ पे चूंकि निगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है तो फोर्स देख के मैंने दिखा रखा है अपवर्ड, तभी तो ये अपवर्ड भागेगा, अपवर्ड डिफ्लेक्शन होगी। यदि ये पॉजिटिव चार्ज होता तो कहां जाता है, ये डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन होता, तो इस तरीके से ये अपवर्ड डिफ्लेक्ट कर रहा है। एक बात अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई कि mg तो सर ने लिया ही नहीं, mg तो कहीं बात ही नहीं करी गई है, क्योंकि यहां पे mg को हम लोग निगलेक्ट कर रहे हैं, mg लग रहा है वर्टिकल डाउनवर्ड, mg को निगलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए है mg की वैल्यू नेग्लिजिबली स्मॉल होती है क्यूई के मुकाबले, इन जनरल ये देखा जाता है। जो जी का कंट्रीब्यूशन है, अब आप देखेंगे ना कि क्यूई ये तो हो गया फोर्स, इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा क्यूई बाय एम आएगा, QE डिवाइड बाय M आएगा। जनरली चार्ज पार्टिकल की मास काफी कम होती है, यदि मास काफी कम हो, जैसे इलेक्ट्रॉन ले लीजिए आप, मास काफी कम है, चार्ज 1.6 into 10-19 कूलम है, तो इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन बहुत ही ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इन जनरल ऐसे प्रॉब्लम हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर देते हैं। वैसे प्रॉब्लम में लिखा जाना चाहिए कि नेग्लेक्टिंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यदि यहां पे नहीं लिया गया तो हम लोग यहां पे लेके चल रहे हैं कि नेग्लेक्ट कर रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, राइट। और यदि ना भी लिखा जाए तो आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं अनलेस अदरवाइज, जब तक ये ना बोला जाए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप कंसिडर करें। तो अब आप बताइए यहां पे कि चार्ज पार्टिकल ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन लग रहा है, वर्टिकल अपवर्ड क्यूई अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस क्यूई बाय एम, लेकिन अलोंग द एक्स एक्सिस कोई फोर्स तो लग नहीं रहा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्टिकल के ऊपर, वो तो वेलोसिटी की वजह से जा रहा है, वो तो वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल है, इसी वजह से वो पार्टिकल उस ओर मूव कर रहा है, फोर्स तो है ही नहीं उसके ऊपर अलोंग द एक्स एक्सिस। तो यदि फोर्स नहीं अलोंग द एक्स एक्सिस तो एक्सेलरेशन भी अलोंग द एक्स एक्सिस क्या होगी, सिंपली जीरो होगी, इसलिए एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस जीरो लिख दी गई है, राइट। अब वहीं पे एक्सेलरेशन अलोंग द वाई एक्सिस क्यू ई डिवाइडेड बाय एम, मेरे ख्याल से ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब निकालना है यहां पे वाई कोऑर्डिनेट, वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकालना है, तो अब चूंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्यू ई बाय एम, तो वाई जो निकालेंगे वो आप बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करके निकालेंगे जो कि आपने क्लास 11th में कर रखा है, वाई इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये वाला कॉन्सेप्ट आपने करा होगा। y नोट कहलाता है इनिशियल पोजिशन, यू आई कहलाता है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस, ए वाई कहलाता है एक्सेलरेशन अलोंग द y एक्सिस। ये कब यूज करते हैं बताइए, तब यूज करते हैं जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इसलिए एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म है, तभी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं आप। तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो ए वाई इक्वल टू क्यू ई बाय एम भी यूनिफॉर्म है, कॉन्स्टेंट है, तो अब ये सारी वैल्यू यहां प्लेस कर दीजिए, y नोट की जगह 0, यू आई 0, ए वाई क्यू ई बाय एम, जब ये प्लेस कीजिएगा तो y आ गया हाफ क्यू ई बाय एम इंटू टी स्क्वायर आ गया आपके पास। अब बात आती क्या है यहां पे कि t निकालना है, कितने देर में ये डिफ्लेक्शन हो रही है y के लोग। अब देखिए यहां पे इतने ही देर में ये पार्टिकल कितना x एक्सिस के लॉन्ग चला गया बताइए, एल लेंथ ऑफ द प्लेट, जितने देर में ये डिफ्लेक्शन y दे रहा है उतने ही टाइम में ये l ट्रेवल कर लिया अलोंग द x एक्सिस, तो इस पॉइंट से हम लोग t निकाल लेंगे। अब कैसे निकलेगा, x इक्वल टू x नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, बिल्कुल सेम फॉर्मूला जो आपने क्लास 11th में करा हुआ है, x नॉट हो गया इनिशियल पोजिशन जो जीरो है, यू एक्स यहां पे वी एक्स के इक्वल होगा, ए एक्स जीरो के इक्वल होगा, x कितना है l के इक्वल है, तो इससे आ गया l इक्वल टू वी एक्स इंटू टी। अब वैसे भी ये देखिए कि अलोंग द एक्स एक्सिस कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है l, वो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम कब लगाते हैं, जब एक्सेलरेशन नहीं होती है उस एक्सिस में, तो l इक्वल टू वी एक्स इंटू टी, तो t की वैल्यू होगी l अपॉन वी एक्स। अब t इक्वल टू जो l बाय वी एक्स आया वो यहां प्लेस कर दीजिए,
यदि आप यहां पे t इक्वल टू एल बाई वी एक्स प्लेस कर देंगे तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट y इक्वल टू हाफ क्यू बाय एम एल बाई वी एक्स का होल स्क्वायर। ये t की जगह पे l बाई वी एक्स प्लेस कर देंगे तो ये आएगा आपका वर्टिकल डिफ्लेक्शन। दिस वन इज द वर्टिकल डिफ्लेक्शन जो प्रॉब्लम में आपको पूछा गया है, इस तरीके से काम कर लेंगे हम लोग, राइट। अच्छा, अब हम लोग एक छोटा सा इसमें ये भी बात करते हैं हम लोग कि जो हमने क्लास 11th ग्रेविटेशनल फील्ड में करा था और ये जो करना है बात क्या है, दोनों में कंपैरिजन करते हैं। अब देखेंगे तो जब पार्टिकल को आप हॉरिजॉन्टली फेंकते थे ग्रेविटेशनल फील्ड में, जब हम लोग फेंकते हैं हॉरिजॉन्टली नियर द सर्फेस ऑफ अर्थ, तो बताइए पैराबोलिक पाथ होता था, पार्टिकल वहां पर डाउनवर्ड जाता था क्योंकि डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसलिए डाउनवर्ड पार्टिकल पैराबोलिक पाथ ले फॉलो करता था। यहां पे ये पार्टिकल अपवर्ड पैराबोला फॉलो कर रहा है, क्यों, क्योंकि QE by M जो एक्सेलरेशन है वो अपवर्ड है। यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स कर दूं, मतलब ये ऊपर वाला निगेटिव और नीचे वाला पॉजिटिव, तो बिल्कुल वैसा ही पाथ फॉलो करेगा जैसा कि एक ग्रेविटेशनल फील्ड में पार्टिकल को फेंकने के बाद फॉलो करता है कोई भी पार्टिकल, जो आप काइनेमेटिक्स में मोशन इन टू डायमेंशन में करा था आपने, बिल्कुल सेम पाथ फॉलो करेगा ये, राइट, सेम पैराबोलिक पाथ, बशर्ते इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिफॉर्म होना जरूरी है, राइट। तो बिल्कुल जो सेम कॉन्सेप्ट वहां पे आपने करा था, बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट है, बस वहां पे ये समझिए कि जी का जो रोल प्ले कर रहा था वो क्यू बाय एम, यहां पर यह समझिए कि क्यू बाय एम इज द इक्विवेलेंट टू जी। तो जब पार्टिकल को वहां पे जैसे हाइट h से प्रोजेक्ट करते हैं तो वहां पे होता था h इक्वल टू हाफ g l जो कि अलोंग द x एक्सिस पार्टिकल ट्रेवल करेगा, डिवाइडेड वेलोसिटी अलोंग द x एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल के अलोंग उसका स्क्वायर, बिल्कुल सेम रिजल्ट है ये, सिमिलर है ये। तो मैंने ये प्रॉब्लम आपको बताया, इसकी काफी ज्यादा इस प्रॉब्लम की यूटिलिटी भी है, मतलब प्रॉब्लम क्या होता है, ऐसे हैपनिंग होते रहते हैं, चार्ज पार्टिकल ऐसे पाथ फॉलो करते रहते हैं इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया, बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम है और ये देखा जाए तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छे लेवल में आता है और इस प्रॉब्लम को आप एंट्रेंस एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अच्छा माना जाता है। तो बढ़ते हैं अब इस चैप्टर का, हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इनफैक्ट वो लास्ट प्रॉब्लम है और वो लास्ट प्रॉब्लम बिल्कुल इसी प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड है, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है ये, बस वहां पे वैल्यू को मुझे प्लेस करना है, राइट। तो देखते हैं अब लास्ट प्रॉब्लम के ऊपर बात करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे लास्ट प्रॉब्लम इस एनसीईआरटी का जो चैप्टर है, पहला चैप्टर है और उसके लास्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहे हैं और देखते हैं ये प्रॉब्लम क्या है। डेफिनेटली ये प्रॉब्लम पिछले वाले प्रॉब्लम के ऊपर ही बेस्ड है, डायरेक्ट उसी के रिजल्ट को हमें यूज करना है और ये प्रॉब्लम नंबर 1.34 है। अब क्या कहा गया, देखिए यहाँ पे कि सेम प्रॉब्लम बिल्कुल है कि ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और एक चार्ज पार्टिकल जो कि एक इलेक्ट्रॉन है उसको यहां से 2 × 106 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट कर दिया गया है अलोंग द एक्स एक्सिस, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है तो ऑब्वियस सी बात है, चूंकि चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज होगा, तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कहां लगेगा, ऊपर को लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, इसलिए पार्टिकल जो है पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए इस प्लेट को जाके इस पॉइंट पे स्ट्राइक कर देगी, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 9.1 × 10^2 न्यूटन पर कूलम, प्रॉब्लम में दे रखा है वेलोसिटी दे रखी है आपके इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दे रखी है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी दे रखा है और मास भी दे रखा है, राइट, सब कुछ ये सब कुछ दे रखा है। आपको केवल ये बताना है कि ये कहां पे जाके स्ट्राइक करेगा अपर प्लेट को, दैट मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट कहें या एल कहें उसको निकालना है, राइट, तो ये काम करना है। हम लोग क्या करेंगे, जो अभी मैंने आपके साथ प्रॉब्लम नंबर 1.33 डिस्कस किया था जिसमें कि ये रिजल्ट आया था हमारे पास, y इक्वल टू वर्टिकल डिफ्लेक्शन विल बी इक्वल टू हाफ क्यूई बाय एम एल अपॉन वी एक्स का होल स्क्वायर, इसी रिजल्ट को डायरेक्टली यूज कर लेंगे। इसमें देखिए y द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यही है डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, तो मैं पार्टिकल को बिल्कुल इसके
पास में ऐसे फेंका गया पार्टिकल को। कई लोग इस प्रॉब्लम में क्या कर रहे हैं कि कर सकते हैं कि भाई कि मिड वे पे फेंक सकते हैं। जब मिड वे पे फेंकेंगे पार्टिकल को तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन जो लेना पड़ेगा हमें वो 0.5 डिवाइड बाय 2 लेना पड़ेगा। मैंने यहां से फेंका हुआ है पार्टिकल को, बिल्कुल जो निगेटिव प्लेस है उसके बिल्कुल पास से हॉरिजॉन्टली फेंका है, इसलिए वर्टिकल डिफ्लेक्शन जो होगी, वर्टिकल डिफ्लेक्शन वाई, वो 0.5 सेंटीमीटर होगी, इसलिए 0.5 सेंटीमीटर वर्टिकल डिफ्लेक्शन ली गई है। जिसको मीटर में आप कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 इंटू 10^-2 मीटर आएगा, ये 10^-2 है राइट, तो इतना मीटर आ गया। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू हो गई आपकी 1.6 इंटू 10^-19 कूलम। इलेक्ट्रॉन की जो है मैग्नीट्यूड में प्लेस करेंगे, चार्ज की वैल्यू मैग्नीट्यूड में प्लेस करेंगे, क्योंकि हमने डायरेक्शन तो ले ही रखा था पहले इलेक्ट्रॉन के निगेटिव चार्ज की वजह से कि भाई की पार्टिकल की वर्टिकल डिफ्लेक्शन है, तो ई की मैग्नीट्यूड में वैल्यू यहाँ पे प्लेस करेंगे, मतलब क्यू की वैल्यू 1.6 इंटू 10^-19 कूलम प्लेस करेंगे। मास 9.1 इंटू 10^-31 केजी प्लेस करेंगे। L की वैल्यू मुझे निकालनी है, अब Vx प्लेस करेंगे 2 इंटू 10^6 मीटर पर सेकंड, Y की वैल्यू 0.5 इंटू 10^-2 मीटर, ये सब प्लेस कर देंगे तो ये आपका आएगा जहां पे L की वैल्यू निकालना है। अब कैलकुलेशन ज्यादा लेंदी नहीं है, कैलकुलेशन ध्यान से करेंगे तो देखिए 9.1 ये 9.1 कैंसल आउट हो जाएगा, 10^-31 है ये 10^6 का होल स्क्वायर है, इट विल गिव 10^12। एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से 10^-31 इंटू 10^12 इट विल गिव 10^-19, तो 10^-19 और 10^-19 कैंसल आउट हो गया, बहुत ही आसान है। तो मोस्ट ऑफ द टर्म तो खत्म ही हो रहा है, कैंसल ही हो रहे हैं, तो इससे आपकी L की वैल्यू बड़े आसानी से आ जाएगी। जब उस L की वैल्यू निकालेंगे तो इट विल कम आउट अप्रोक्सीमेटली 1.6 सेंटीमीटर आएगा, ये पूरा चीज मीटर में पले आएगा, जब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल कम आउट अप्रोक्सीमेटली 1.6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को प्रोसीड करेंगे। आपके सामने हमने ये प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करा है, मेरे ख्याल से अब तक जितने प्रॉब्लम आपको मैंने डिस्कस करके बताए वो डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो उस लेक्चर को 2-3 दफे देखिए, डेफिनेटली वो आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर बात करने जा रहा हूं और ये प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। इसमें ये फिगर दिखाया गया, देख रहे हैं आप, ये फिगर है और इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, ये प्लेट पे निगेटिव चार्ज है और इसके अंदर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है राइट, और तीन चार्ज पार्टिकल्स को इस फील्ड के अंदर जो है प्रोजेक्ट किया गया है। हमें ये बताना है कि इन सारे चार्ज पार्टिकल की साइन क्या है, साइन का मतलब कौन सा चार्ज निगेटिव है, कौन सा चार्ज पॉजिटिव है, उसके ऊपर बात करना है और साथ में ये बताना है कि हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो क्या होगा, मतलब क्यू बाय एम का वैल्यू। क्यू बाय एम को हम लोग स्पेसिफिक चार्ज भी कहते हैं, तो हमें सबसे जो यहाँ पे बताने की सबसे ज्यादा स्पेसिफिक चार्ज या चार्ज डिवाइड मास की वैल्यू किसकी होगी। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है और बहुत ही बढ़िया सा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है ये। अब देखते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगेगा। देखिए यहाँ पे जब ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज रहता है और ये प्लेट निगेटिव चार्ज होता है तो ये इसको कहते हैं हम लोग एक्चुअली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कि आप नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे भी। आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जो फील्ड जनरेट होती है या डेवलप होती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि ऑब्वियस बात है वर्टिकल डाउनवर्ड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होती है टुवर्ड्स द निगेटिव चार्ज होती है, तो डायरेक्शन इसकी डाउनवर्ड हो गई। अब हमारे को कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, बात यहाँ पे क्या है कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगती है वो उसी डायरेक्शन में लगती है जिस ओर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मतलब यदि चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स क्यू ई डाउनवर्ड लगेगी, यदि चार्ज निगेटिव है तो फोर्स अपवर्ड लगेगी बाय द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिस वन। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों चार्ज पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ऊपर तो तभी जाएगा ना जबकि फोर्स जो अपवर्ड लगेगी, इसका मतलब इन दोनों के ऊपर फोर्स बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड लग रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड है डाउनवर्ड, तो डेफिनेटली पहला दूसरा चार्ज निगेटिव चार्ज होगा, बट एंड ऑब्वियस है। वहीं पे थर्ड पार्टिकल देखेंगे तो थर्ड पार्टिकल डाउनवर्ड जा रहा है, देखिए डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है इसके, इसका मतलब फोर्स इसके ऊपर डाउनवर्ड लग रही है, डाउनवर्ड लगने का मतलब अलोंग द डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, इसका मतलब थर्ड पार्टिकल कैसा पार्टिकल होगा, चार्ज पार्टिकल कैसा होगा, तो पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इस तरीके से फर्स्ट एंड सेकंड विल बी द नेगेटिव चार्ज एंड थर्ड विल बी द पॉजिटिव चार्ज। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का। अगला पार्ट देखते हैं डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, सपोज ये इनिशियल लाइन थी, यदि ये फील्ड नहीं होता तो सीधा निकल जाता पार्टिकल, स्ट्रेट निकल जाता,
तो अब क्या हुआ, फील्ड होने की वजह से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इस डायरेक्शन ना जाके ये ऊपर चला गया, अपवर्ड, इसको कहते हैं डिफ्लेक्शन। इधर यहां देखिए ये डिफ्लेक्शन है, यहां पे देखिए ये डिफ्लेक्शन है। अब बताइए इसमें सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन किसकी है, पार्टिकल थर्ड की दिख रही है आपको, इसके बाद पार्टिकल वन की डिफ्लेक्शन है, फिर पार्टिकल टू की डिफ्लेक्शन है। तो सबसे ज्यादा पार्टिकल जो डिफ्लेक्ट हुई है डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है, लेकिन वर्टिकल डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा थर्ड पार्टिकल की है। यदि सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन थर्ड पार्टिकल की है तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि डिफ्लेक्शन प्रोपोर्शनल टू द क्यू बाय एम होता है। डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाय मास रेशियो। इसका मतलब यदि ये हो गया कि भाई कि थर्ड पार्टिकल सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट कर रहा है ये वाला, तो इसका मतलब चार्ज डिवाइड मास का रेशियो सबसे ज्यादा इसी का होगा। इसका मतलब हाईएस्ट चार्ज बाय मास रेशियो जो होगा, चार्ज एंड मास का रेशियो जो होगा, वो आपका चार्ज पार्टिकल थ्री के लिए होगा। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम वर्कआउट करेंगे। तो कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया सा लगा हुआ है, यहाँ पे बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया है और काफी एक अच्छे बेहतरीन कंसेप्चुअल प्रॉब्लम ये आता है। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को मैंने आपके साथ डिस्कस किया है।